मैं गुलाम रसूल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैम नादर। दोस्तों, कल मैंने वीडियो डाली थी मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल की मैंने डिमांड नहीं रखी थी कि मैंने फॉर सेल करना है, तो आप लोग बताएं कि कितने का होगा। तो काफ़ी सारे दोस्तों को कॉमेंट आए थे कि आप इसकी डिमांड कर बताएं हमें। कल मैंने आपके ऊपर छोड़ा था कि ये मोटरसाइकिल कितने की होनी चाहिए और आप लोग बताएँगे, उसके बाद जो और ज़्यादा रेट लगाएगा मैं उसको दूँगा। तो काफ़ी सारे बंदे हैं जिन्होंने रेट लगाया, आप कमेंट भी जाके चेक कर सकते हैं, किसी ने कहा कॉल करें ये वो। अभी इतना ज़्यादा रेट लगाए ना, आप रेट सुन के हैरान हो जाएं। ठीक है, आए आपको एक दफ़ा फिर मैं बाइक की तरफ लेके चलता हूँ और इसके जो जो काम है ना। अच्छा, मैं ना आप लोगों को ना अंधेरे में नहीं रखना चाहता, मैं आपको इसके जो जो काम है ना, मैं वो आपको काम बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसके काम कौन कौन से हैं। ये जो है ना, आज मैं मुझे फील हुआ है इसको थोड़ी सी जो है ना वो है, ये वाले जो है ना इसके अंदर प्ले है, ये देखा है, क्योंकि वो मैंने आज पूछा है, वो कहता है इसका जो है ना वो बैरिंग का मसला है। उसके अलावा मैं आपको इसका एक और काम बताता चलूँ। ये जो है ना, ये मीटर वाली जो वायर होती है, केबल होती है, ये भी इसकी नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये भी 250-250 रुपए की, और बैरंग का भी 250-250 रुपए खर्चा है। बाकी ये देखें, ये लशक कितना मारता है। उसके अलावा और क्या काम है इसकी, ये जो लाइट है ना, ये लाइट टूटी हुई है, गिरा था यहाँ पे, टेप लगाई हुई है मैंने, इसको टेप से जोड़ा हुआ है, ये भी आपको नई लाइट लगवानी पड़ेगी। उसके बाद ये वाला जो इसका मीटर है ना, ये मीटर भी जो है ना, ये मैं आगे से अभी इसके काम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं चलाता हूँ तो मुझे पता है। ये मीटर जो है ना, ये आपको मीटर भी नया लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर नहीं, मेरे ख्याल मीटर ये ठीक है, वो केबल लगेगी तो ये मीटर चालू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये मीटर सही है, आपको सिर्फ केबल लगवानी है। उसके बाद मीटर के अंदर स्विच जो होता है ना, ये ख़राब है। ठीक है, इसका जो स्विच है ये भी ख़राब है। ठीक है, ये स्विच आपको कोई मसला नहीं, ये भी 150-200 रुपए का है, मसला नहीं, लग जाएगा। इसके बाद ये लो और जो हाई लाइट होती है, ये भी इसके ऊपर, ये प्लास्टिक की नहीं है, ये देखे, कोई नहीं, 10-15 रुपए की है, ये भी आप लगवा लेना। उसके बाद ये जो ढकना है ना, ये ढकना ऐसे खुल जाता है। ठीक है, ये देखे, ये ढकना जो है ना ऐसे खुल जाता है इसका। ठीक है, ये ढकना भी आपको नया लगवाना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, जो जो काम है, फिर बाद में आपने गिला नहीं करना। उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो है ना इसका डंडा, ये डंडा जो है ना हल रहा है, ये इसका पेट टाइट करवाना पड़ेगा मुझे लगता है। अच्छा, उसके बाद ये जो लॉक होता है ना, ये लॉक भी ये टूटा हुआ है यहाँ से, देखा है इसकी, ये आपको लॉक भी नया लगवाना पड़ेगा। उसके बाद ये इशारे मैं भूल गया हूँ, ये अगले इशारे आप देख रहे हैं, ये अगले इशारे भी आपको नए लगवाने पड़ेंगे। कोई नहीं, ये भी 50-100 रुपए के आ जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये बाकी सारा ओके है, ये टापे भी इसकी ठीक हैं, टैंकी भी बिल्कुल, टैंकी एक दफ़ा यहाँ से लीक हुई थी, यहाँ पे मैंने वो मैजिक लगा दी थी, फिर टाइट हो गई है, अभी कोई लीक शीक नहीं है। ये गद्दी जो है ना, आपको ये नहीं लगवानी पड़ेगी, ये देखें, मैं अकेला चलाता हूँ तो मैंने ये वाली लगवाई हुई है। खैर है यार, 500-700 रुपये लगा लेना, इतना मसला नहीं है। उसके बाद आते हैं पीछे, इसके ये वाले जो पिछले इशारे हैं, ये भी नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपको नए लगवाने पड़ेंगे। ये लाइट बिल्कुल सही है, चलती है, ये नंबर प्लेट भी सारा ओके है। ये प्लास्टिक जो है ना, ये टूटा हुआ है, यहाँ पे एल्फी अगर लगा लेंगे तो ठीक है, अगर ये प्लास्टिक कितने का आता है, ये भी लगा लेना। उसके बाद इसका अभी इस टाइम जो है ना एल भी चेंज होने वाला है, उसके बाद ट्यूनिंग भी होने वाली है, ये थोड़ा सा काम है मेंटेनेंस। उसके अलावा क्योंकि मैंने दो के तीन साल से मैंने इसका काम शाम नहीं करवाया, आयल भी 1.5 महीना हो गया है। अच्छा, मैं आपको इसका पेट्रोल का बताता चलो, पेट्रोल के मामले में ना, मैंने 500 का डलवाया था परसों, मैं यहाँ से लव मिल गया हूँ, लव मिल से वापस आया हूँ, सुबह शाम बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप करता हूँ स्कूल से, वहाँ से मैंने स्कूल से बच्चों को भी पिक एंड ड्रॉप कर रहा हूँ 2-3 दिन से, और अभी ड्यूटी पे भी गया था लाइक अली चौक, जो इधर वाहकंड के लोग हैं उनको तो पता होगा कि कितना सफ़र बनता है, लव मील का, फिर हसन अब्दाल, फिर लाइक अली चौक, फिर बैरियर 2, ये अभी भी रिजर्व पे नहीं लगाई है, अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ ऑन पे है, ये देख लें, ये ऑन पे है,
ये अभी रिजर्व में देख लें, 2 दिन से चल रहा है। 500 का आता कितना है? 2 लीटर, 250 रुपये लीटर है। अभी तक 1 लीटर इसमें रिजर्व में भी इसमें 1.25 लीटर होता है। मैंने जैसे आपको कल कहा था ना कि 150 से 200 किलोमीटर ये करता है 1 लीटर से, अभी भी ये 2 दिन चलेगा, उसके बाद जाके आपने घबराना नहीं है। मोटरसाइकिल बड़ी कमाल की है। अच्छा मैं आप बताता हूँ इसकी डिमांड, भाई बता रहे थे आपने डिमांड इसकी, मैंने कल छोड़ी थी आपके ऊपर में कि आप कमेंट करेंगे उसके बाद। इसकी जो डिमांड है वो 60,000 रुपये एक भाई ने लगाया है। वैसे मेरी डिमांड जो है 1 लाख रुपया है, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, जिस वजह से मैं डिमांड 1 लाख रुपया रख रहा हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना 1 लाख रुपया ज़्यादा है या कम है, फिर कर लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने आपको बताया एक बात, मैं बताना भूल गया हूँ, नया बाइक भी हो ना उसको आप सर्विस करवाते हैं ना, तो वो भी जो है ना आपका पहले केक पे स्टार्ट नहीं होता। ये ऐसी बाइक है, कल इसको मैंने 1 घंटा तक धोया है, पानी मारा, हर जो कोई प्लग साफ नहीं किया, उसी टाइम टाकी मार रहा था, टाकी मारने के बाद मैंने किक मारी है। आज आपको फिर आपको चेक करवाता, ये देखिए सैम जो है ना इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो मारो बेटा सही से मारना, तुम्हें नहीं आता मेरे ख्याल में। ये देखें पहले केक पे, ठीक है, कोई मेरी तरह ऊपर कर, ये देखें पहले केक मारूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा। ये तो नहीं चाहिए।